फ्रेंड्स, ये फ्लूक का लूप कैलिब्रेटर है। इसमें मैं इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे चेक करते हैं, पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनपुट कैसे चेक करते हैं। इनपुट क्या होता है, जैसे कि हम मल्टीमीटर एज लाइक अभी मैं इस लूप कैलिब्रेटर को मल्टीमीटर के जैसे यूज करूंगा, तो मल्टीमीटर के जैसे यूज करने के लिए मल्टीमीटर से हम क्या काम करते हैं, किसी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं, जो वोल्टेज हो, करेंट हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो अभी मैं इसका जो है ये एक फीडबैक ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये कि कंट्रोल वाल में लगा है। तो अभी हमारा एक कार्ड ख़राब है, ठीक है, तो कार्ड के स्थान पे जैसे कि अगर हम डीसीएस पे चेक करेंगे कि कितना परसेंटेज अभी हमारा ओपन है, कंट्रोल वाल परसेंटेज में कितना परसेंट कंट्रोल वाल ओपन है, कार्ड ख़राब होने के कारण मैं अभी वहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं जैसे कि इस फीडबैक ट्रांसमीटर में लगा दिया हूँ, कैसे कनेक्शन किया हूँ, अब कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इस लूप कैलिब्रेटर का जो प्रोब है, ये रेड प्रोब एकदम लेफ्ट हैंड में जहाँ पे लूप लिखा है, ठीक है, और ब्लैक प्रोब ये यहाँ पे मिली एम्प्स लिखा हुआ है, मिली एम्पियर करंट, ठीक है, इस पे चेक करना है। इन दोनों पे ये प्रोब हमें लगाना है, और इसके बाद ये जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी ये प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का रेड वाली प्रोब यहाँ पे प्लस में लगा दिया, और ब्लैक वाली प्रोब यहाँ पे माइनस, इसको मैंने लगा दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है, इसके बाद हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। और ये अब आगे आपको बताऊँगा कि आपको इसमें मिली एम्पियर में इसको चेक करना है या परसेंटेज में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसको ऑफ़ किया, अभी आपको मैंने कनेक्शन के बारे में बता दिया कि अगर आपको मल्टीमीटर के जैसे इसको चेक करना है, सोर्स देना है, तो वो अलग अभी प्रोब कनेक्ट होगा, और चेकिंग करना है मतलब इनपुट, तो इसके लिए अलग है प्रोब यूज़ करते हैं। अभी तो मैं आपको केवल चेक करना है कि आपका परसेंटेज में कितना आ रहा है, जैसे कि मैंने कहीं से आउटपुट मिली एम्पियर मिल रहा है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे। वैसे इसमें भी जो है हम अभी ये आउटपुट दे रहा है, ये ट्रांसमीटर जैसे आउटपुट दे रहा है, और हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। ये समझिए कि ये एक सोर्स, ये जैसे सोर्स के जैसे काम कर रहा है। तो अभी हमें इसमें कैसे हम इसको चेक करेंगे, सबसे पहले कैलिब्रेटर को ऑन करते हैं, ये ऑन हुआ, ठीक है। ऑन होने के बाद ये इनपुट है, अगर आपको आउटपुट में सेलेक्ट कर देंगे, आउटपुट में सेलेक्ट करना है तो इसको चेक करेंगे, ठीक है, इस पर प्रेस करेंगे। तो ये अभी हमारा ये जो प्रोब है गलत लगा हुआ है, इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इनपुट एक बार फिर से प्रेस करेंगे, स्पैन चेक है, फिर से ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, इनपुट आउटपुट स्पैन चेक, ठीक है। तो हमें इनपुट देखना है, मतलब कि जो बाहर से आ रहा है और इसके अंदर जो है, जो हमें बाहर का जो मिलियम्स आ रहा है या कुछ भी जो आउटपुट कुछ भी दे रहा है, रेजिस्टेंस है, जैसा कि मल्टीमीटर हमने चेक करते हैं, तो ये इसमें ये बता रहा है कि 3.494 आ रहा है मिलियम्स करंट आ रहा है। अभी मुझे जैसे कि मैं डीसीएस से इसको ऑन कराऊंगा, ठीक है, ऑन कराने के लिए कमांड जैसे वहाँ से डीसीएस से देना पड़ता है, ठीक है, कि 25% ऑन कर दो, 50% वहाँ से कमांड दो। तो जैसे 25% ऑन कमांड देंगे तो 25% कंट्रोल वाल्व खुलेगा, तो ये 25% कमांड जो है नीचे डीसीएस पे ये फीडबैक ट्रांसमीटर जो है ये हमें नीचे दे देगा, ठीक है। तो वही काम अभी ये कर रहा है, कि अभी डीसीएस पे मैं नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं इस लूप कैलिब्रेटर में दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इनपुट पे मैंने इसका सिलेक्शन किया, अब फील्ड से मैं अभी उनसे कमांड दिलाऊंगा कि 25% इसको ओपन करो, तो दिखाते हैं इसको मिलियम्स और परसेंटेज में। अभी आपको मिली एम्पियर में देखना है तो यहाँ मिलियम्स लिखा हुआ है करंट, और अगर परसेंटेज में इसी को देखना है कितना परसेंट अभी कंट्रोल वाल्व ओपन है, यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व जैसा कि अभी 0% पे है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे मिली एम्पियर और परसेंटेज लिखा हुआ है, एक बार प्रेस करूँगा,
ठीक है, ये परसेंटेज। दूसरी बार ये मिली एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। फिर से मैं इसको प्रेस किया, ये परसेंटेज भी दिख रहा है, मतलब कि 0% माइनस, ये पॉइंट माइनस 0.36 जो परसेंटेज है ये एरर है, इतना एरर चलता है, ठीक है। और नए भी है तो आप यहाँ से जीरो इसका सेट कर सकते हैं, अगर जीरो पे लाना है तो, ठीक है। जीरो और स्पैन सेटिंग यहाँ से है तो इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं नीचे से इसको कमांड दिलाता हूँ, देखते हैं कि 25% कमांड हम नीचे से इस कंट्रोल वाल्व को ओपन कराते हैं तो कमांड ये देखते हैं कितना परसेंट अभी कमांड इसमें आता है, 2-3% एरर चलता है। तो अब जा रहे हैं नीचे से, अभी मैं इसको कमांड दिलाने जा रहा हूँ। 25% जैसा कि ये 25% हमने कमांड दिया है और ये कंट्रोल वाल्व देखिए 25% यहाँ पे खुल रहा है, और खुलने के बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 27% 2% ये एरर है अभी, ठीक है। एरर इस ट्रांसमीटर से आउटपुट आ रहा है, या तो 2% इसमें भी एरर है, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। आप इसको सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, जीरो से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 50% कमांड नीचे से दिलाता हूँ DCS से, इसके बाद जो है देखते हैं कि 25% आता है। अगर आपको ये मिली एम्स में देखना है, अभी 50% कमांड में DCS से दिला रहे हैं, ये कंट्रोल वाल्व ओपन होना शुरू हुआ है और ये परसेंटेज में जैसे जैसे ये कंट्रोल वाल्व ओपन हो रहा है, इसके अंदर पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिसे पोर्ट बोलते हैं, तो जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है उसके अनुसार ये जो है होता है, ठीक है। तो ये वहाँ से 50 कमांड दिए तो 54 ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 54% ओपन हो गया। अगर आपको ये मिली एम्स में देखना है तो एक बार इसको, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो 50 पे 12 मिली एम्स आ रहा है, ठीक है, 12.66, ठीक है। तो ये आप करंट आप देख सकते हैं, और परसेंटेज में इसको देखना है तो 54% है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इस लूप कैलिब्रेटर से परसेंटेज और मिली एम्स कैसे चेक करते हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस लूप कैलिब्रेटर को एज लाइक सोर्स कैसे यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।